आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। अलीगढ़ के थाना चंडौस इलाके की रहने वाली एक युवती एसएसपी दफ्तर पर फरियाद लेकर पहुंची, जहां युवती का कहना था कि 3 सितंबर को उसके पड़ोसी युवकों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़िता का आरोप है कि जब उसने ये वाक्य पुलिस को बताया तो पुलिस ने न केवल मारपीट छेड़खानी में मुकदमा दर्ज किया और दुष्कर्म की रिपोर्ट तक दर्ज ही नहीं की। घर पे हुआ था सुबह के 9 बजे, घर में आके जबरदस्ती अंदर खींच के ले गया और मुझे मारने की धमकी दी और मेरे साथ गलत काम किया था उसने और बोला अगर तू अगर किसी को बताएगी तुझको तेरे पति को जान से ख़त्म कर देंगे। तो सर हमने चन्नास में पुलिस में वो लिखवाया सर, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की हमारी और हमें वहाँ से कोई वो नहीं मिला और नहीं वो रोल रहे उनको पकड़ा कोई पकड़ नहीं रहा नहीं कुछ कर रहा और वो ऐसे घूम रहे हैं और सर हमको हम पे ही दबाव डाल रहे हैं सब लोग के फैसला कर लो सर हम। और 5 तारीख को घर पे आके हमारे साइन लेके गए थे वो। कुछ समय बाद जब पुलिस ने न्यायालय में पीड़िता के बयान दर्ज करवाए तो उसने वहां भी अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात कही। बावजूद इसके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और उनके हौसले बुलंद हैं। इस मामले में पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 5 सितंबर को दरोगा के साथ कुछ पुलिस कर्मी उसके घर आए थे और एक सादा कागज पर उसका अंगूठा लगवा कर ले गए। पीड़िता की मांग है कि इन अपराधियों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और शीघ्र गिरफ्तारी की जाए, जिसकी मांग को लेकर पीड़िता ने एसएसपी कलानिधि नैथानी से भी मुलाकात की है। अलीगढ़ से बबलू, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार।